वेलकम स्टूडेंट्स टू द यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ बैंकिंग एसएससी। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पजल सॉल्व करेंगे। मैं चार पजल सॉल्व कराऊंगा। वो चारों पजल्स आईबीपीएस क्लरिकल 2018 में आया था, प्रीलिम्स में आया था, ठीक है। वो सारा पजल्स आपको बहुत हेल्प कर सकता है जो मैं पजल आपको कराऊंगा। ये जो पजल है मैं एक लाइन में करूंगा, मतलब एक स्टेप में ही सॉल्व हो जाएगा। मतलब बहुत मल्टीपल डायग्राम्स इसके लिए नहीं चाहिए। जो मैंने रूल्स जो क्लास में मैंने बताए थे वो सारा रूल्स आप लोग अगर फॉलो करेंगे तो सारा पजल्स अपने आप ही बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि टाइम भी 20 मिनट्स है, तो 20 मिनट से ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि 20 मिनट्स के अंदर ही आपको सारा पजल्स आपको बना के सॉल्व करना पड़ेगा, बोथ टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको मार्क्स लेना होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा है, देखो। 7 पर्संस EBCDEFG are watching movies on different days of the week, ठीक है, starting from Monday, ending on Sunday, not necessarily in the same order. B is going to watch movie on Tuesday, F is going to watch movie on adjacent day of B, ठीक है। इसका मतलब है B और F जो है they are immediate neighbors of each other, ठीक है। There are 3 days gap between the days on which F and A are going to watch movie. G is going to watch movie just before D. इसका मतलब है कि डी और जी जो है दे आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ इच अदर। देयर आर मैनी पर्सन्स वॉचिंग मूवी बिटवीन ए एंड जी एस बिटवीन डी एंड सी। सी इज वॉचिंग मूवी बिफोर डी बट नॉट जस्ट, देखो जस्ट नॉट बिफोर, इस तरह मतलब इसका मतलब ये है कि सी जो है वो डी से पहले है लेकिन इमीडिएटली पहले नहीं है। मतलब सी और डी के बीच में मिनिमम एक बंदा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग मंडे टू संडे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो मंडे टू संडे अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होता है, जरा देखो। देखो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये संडे हो गया, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसमें। इसमें लिखा है कि बी इज गोइंग टू वॉच मूवी ऑन ट्यूसडे, ठीक है। इधर में कंफर्म बी आएगा, ठीक है, क्योंकि बी को ट्यूसडे में ही जाना है, ठीक है। नाउ एफ इज गोइंग टू वॉच एडजेसेंट डे ऑफ बी। देखो बी यहां है तो एफ यहां हो सकता है या फिर एफ यहां हो सकता है। मतलब एफ और बी इमीडिएट नेबर्स है लेकिन मुझे नहीं पता कि अभी मुझे नहीं पता कि बी अगर यहां है तो एफ यहां है या फिर यहां है, ये मुझे नहीं पता है। तो आप लोगों को ये पता होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो ये प्रोबेबिलिटी में आता है, एफ यहां भी आ सकता है और एफ यहां भी आ सकता है। हमें क्या करना पड़ता है कि F, एक F को हमें मान के चलना पड़ता है। अगर इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ ना सारा कंडीशन तो हमें इसको मान के चलना होगा, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। F हमें इसको मान के चलना, अगर F से कुछ लिंक दिया हुआ है तो हम इसको F से लिंक लेकर के हम लोग बनाना स्टार्ट कर देंगे। अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम लोग इसको मान के बनाना स्टार्ट करेंगे, इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसको कैंसिल करना होगा, इसको मान के चलना होगा, तभी एक ही सारा डायग्राम में हमारा पजल सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो मल्टीपल डायग्राम्स बनाना पड़ेगा, ये सारा लिखना पड़ेगा, तो फिर बहुत ज्यादा समय वेस्ट होगा, ठीक है। चलो देयर आर 3 डेज गैप बिटवीन द डेज ऑन व्हिच एफ एंड ए आर गोइंग टू वॉच मूवी। देखो एफ और ए के बीच में कितना दिन का गैप है, 3 दिन का गैप है ना। तो चलो इसको हम लोग नहीं मानते, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग मानते हैं, F और A, देखो 1 2 3 यहां में क्या होगा, डेट इज A, हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये F है। अगर इससे सेटिस्फाई नहीं किया तो हम लोग इसको मान के चल रहे, ठीक है। मतलब A इज फ्राइडे, मतलब A फ्राइडे में जा रहा है। G इज गोइंग टू वॉच मूवी जस्ट आफ्टर D, देखो D के बाद, जस्ट आफ्टर बाद G जा रहा है, तो इसका मतलब दे आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ इच अदर। अब जरा सोच के देखो, ये जो D है और ये G है, दो स्लॉट, मतलब दो स्लॉट एक साथ में लोगों को खाली चाहिए होगा। डी जी यहां रह सकता है या फिर यहां रह सकता है, आपको समझ में आ रहा है ना। बहुत ही आसान है, आप यहां ट्रायल कर सकते हैं या फिर यहां ट्रायल कर सकते हैं, दोनों में से एक में आपको जरूर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखो अभी फिर ये कह रहा है जी इज गोइंग टू वॉच मूवी जस्ट बिफोर डी। देखो ये कंडीशन ऐसा है, देयर आर एज मेनी पर्संस वॉचिंग मूवी बिटवीन ए एंड जी। देखो ये ए और जी के बीच में जितने भी लोग हैं ना, उतने ही लोग डी और सी के बीच में उतने ही लोग हैं, ठीक है। मतलब सपोज घर में ए और जी के बीच में 2 जन आए ना, तो डी और सी के बीच में भी 2 जन ही आएंगे। अगर ए और जी के बीच में 1 जन है तो डी और सी के बीच में 1 जन ही आएंगे, इस तरह का कंडीशन है, ठीक है। सी इज वॉचिंग मूवी बिफोर डी, ठीक है। देखो ये जो सी है ना वो डी से पहले आता है लेकिन इमीडिएटली पहले नहीं है। इसका मतलब मिनिमम कोई ना कोई इधर में एक बंदा होगा, मिनिमम एक बंदा होगा, ठीक है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। मैं दूसरा एक पेन ले लेता हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो, ठीक है। चलो देखो अभी क्या होता है इसमें।
मैंने जैसे पहले बताया था डी और जी, देखो डी और जी हम यहां में डाल सकते हैं या फिर यहां डाल सकते हैं, हम यहां में डी और जी को नहीं डाल सकते, क्यों? क्योंकि पता होगा इस कंडीशन के लिए, देखो डी को भी जहां में डालेंगे ना इससे पहले, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सी होना है, अगर डी को यहां में डालते तो सी के लिए कोई जगह नहीं बचता है, अगर हम लोग एफ को यहां मान के चलते हैं तो, क्योंकि हम लोग एफ को यहां के मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो चलो डी और जी यहां तो नहीं हो सकता, हमने फाइंड आउट कर लिया कि यहां नहीं हो सकता, तो डी और जी को हम लोग यहां लिख करके ट्रायल करते हैं कि सचमुच होता है क्या, ठीक है। तो देखो डी और जी यहां में है, तो एक कंडीशन यहां में दिया हुआ है कि ए और जी के बीच में भी जितने ही बंदे हैं, कितना बंदा है, एक है, दैट इज डी। इसी तरह से डी और सी के बीच में कितना होगा, एक होगा। तो यहां में डी है तो सी तो यहां नहीं जा सकते ना, तो अभी हम लोग क्या करना पड़ेगा, डी यहां में हम लोगों ने सी डाला, तो एक कंडीशन ये भी हो गया कि जो सी है वो डी के लेफ्ट में है, कम से कम एक बंदा है दोनों के बीच में, तो ए हमें मिल गया है, तो ठीक है। तो चलो देखो अभी ये सारा तो सेटिंग हो गया, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, ठीक है, कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है। तो देखो यहां में एफ है, ये बी है, यहां में कोई नहीं है अभी तक, यहां में सी है, ये ए है, डी है और ये जी है, कौन लास्ट में कौन बच गया, दैट इज ई बचा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां में ई डाल दिया और बात खत्म, है ना, ये पजल सॉल्व हो गया। देखो बहुत ही आसान से सॉल्व हो गया, हम लोगों ने एक लाइन में सॉल्व किया। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा बात है ना कि आप किसको मान के चल रहे हैं, ठीक है, अगर इसी के लिए हम चार पांच डायग्राम या दो या तीन डायग्राम बनाए तो बहुत ज्यादा समय बर्बाद होगा, आपको इसी तरह से एग्जाम में करना है। तो चलिए देखते हैं दूसरा पजल, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। Seven people P, Q, R, S, T, V and W gives test different starting from Monday to Sunday, ठीक है, Monday to Sunday use होता है। Four people give test between R और S, देखो R और S के बीच में कितने लोग हैं, चार लोग हैं, ठीक है। P gives on Wednesday, no person gives between P and Q, P और मतलब they are P and Q are immediate neighbors of each other, there are three people gives test between T and W, T should be in the left of V, है ना, T gives test before B, W doesn't give test on Sunday, at least two people gives test before S, ठीक है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखो सबसे पहले मैं मंडे टू संडे लिख लेता हूं, ठीक है, देखो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये होगा संडे, ठीक है, मैंने संडे लिख लिया। देखो अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे, जो मैंने जो रूल्स जो सिखाया वो रूल्स अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान से बन जाएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, तो देखो R और S के बीच में चार लोग हैं, ठीक है, इधर में R और S के बीच में चार लोग हैं, तो मैंने चार का गैप लगाया, ठीक है। अब फिर क्या बोल रहा है, P gives test on Wednesday, ठीक है, तो Wednesday में देखो P का कंफर्म है कि Wednesday को ही P टेस्ट अपना दे रहा है, ठीक है। देखो No person gives test by P and Q. देखो P और Q are immediate neighbors of each other. देखो यहाँ मैं Q डाल सकता हूँ और यहाँ मैं Q डाल सकता हूँ, ठीक है। तो because मुझे नहीं पता कि Q exactly है कहाँ, क्योंकि P यहाँ में है तो P का immediate neighbor Q है, तो मैंने Q एक इधर डाला और एक इधर डाला, आपको समझ में आ रहा होगा। They are immediate neighbors. देखो एक ही लाइन में बनाऊंगा, ठीक है, बहुत मल्टीपल डायग्राम्स नहीं बनेगा, एक ही लाइन में बन जाएगा आराम से, अगर आप लोग सही तरीके से सही चीज को सही टाइम पे सोचते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखो There are three people give test between T and V. देखो ये T और V के बीच में ना तीन लोग हैं, ठीक है, और एक और बात बोला कि T gives test before V. देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब T को ना लेफ्ट हैंड साइड में होना है जब V के साथ में, जब उसको कंपैरिजन किया जाएगा, मतलब T should be in the left of V and there are three people between T and V, इस तरह से दिया गया है, ठीक है। T gives test before V. W doesn't give test on Wednesday, Sunday. देखो यहां में ना W नहीं होगा, ठीक है, मैंने इसको जस्ट मार्क किया है कि यहां में W नहीं होगा, संडे को W टेस्ट नहीं देता। At least two people gives test before S. देखो S के पहले ना, ये जो S है, S के पहले ना दो लोग, कम से कम दो लोग हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब मैं दूसरे कलर का मैं मार्कर ले रहा हूं, देखो अब ये सारा डाटा इसमें डालना है, कितना आसान से डल जाएगा। देखो अगर हम लोग देखते हैं, देखो ये जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन को अगर आप केयर करते हैं तो इसको डालने के लिए बड़ा आसान रहेगा। देखो अब बात यह है ना कि S से पहले कम से कम दो लोग होंगे, तो S यहां नहीं रह सकता, एस यहां नहीं रह सकता, क्योंकि यहां में पी है तो एस यहां में नहीं रह सकता। एस का कितना जगह हो गया, ये जगह हो सकता है, एस यहां रह सकते, यहां रह सकते, यहां रह सकते, या फिर यहां रह सकते, ठीक है। तो चलो देखो अगर एस मैंने यहां डाला, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ओके, चलो एस अगर यहां डाला तो हम लोग आर को कहां डाल सकते, क्योंकि एस और आर के बीच में चार का गैप है, एक दो तीन यहां में आया तो एक दो तीन यहां में आया, तो एस यहां नहीं होगा, है ना। तो चलो हम लोग इधर में एस डाल देते हैं, देखो एक दो तीन चार है ना, तो ये नहीं हो सकता, तो एस कहां हो सकता है, एस यहां हो सकता है, मिनिमम एस यहां हो सकता है, ठीक है। तो एक दो तीन चार, चार का गैप आ गया, उधर में क्या हो गया, उधर में आर हो गया, ठीक है, हमने डाल दिया। देखो अगर S का पोजीशन कितना, यहां में तीन चार जगह हो सकता है पॉसिबिलिटी, इधर में S हो सकता है, यहां में S हो सकता है, यहां में S हो सकता है, या फिर यहां में S हो सकता है, ठीक है। तो हमने इसको बैठा के देख लिया, मिनिमम S को यहां होना होगा, और इससे हमें क्या पता चल रहा है, R जो है ना वो S के लेफ्ट हैंड साइड में ही होगा, हमें ये पता चल रहा है,
ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं, यहां में आर लिया और यहां में एस लिया, उसके बाद हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलो ये तो हो गया है। अब देखो टी और बी के बारे में हम लोग देखते हैं, टी और बी। चलो हम लोग ने यहां में आर को डाला क्योंकि हम लोग ने इसको आर को माना, तो टी और बी को भी हमें देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, तो चलो अगर हम लोग ने टी को इसको माना ना, चलो मिनिमम हम लोग इसको मान के देखते हैं क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, तो दोनों के बीच में तीन है, मतलब टी और बी के बीच में कितना, तीन बंदे हैं। चलो इसको टी, इसको हम लोग नहीं माना, ठीक है, चलो टी इसको मानो, एक दो तीन। यहां में तो वी नहीं आ सकता ना, क्योंकि देखो अगर तीन होता तो यहां में वी का प्लेस होना चाहिए था, एक दो तीन यहां में वी का प्लेस होना चाहिए था, लेकिन यहां में वी नहीं है, यहां में कौन है, हम लोगों ने एस को डाला है, इसका मतलब है टी यहां भी नहीं हो सकता है ना, तो टी यहां में अगर नहीं हो सकता तो तीन बंदे होना चाहिए था, एक दो तीन है ना, ये आ गया। तो क्या होता है, यहां में पी है तो यहां में टी नहीं हो सकता, हम यहां में टी को नहीं डाल सकते, क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि यहां में देखो अगर हम टी को यहां में डालते, एक दो तीन आ गया, एक दो तीन आ गया, इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये जो टी का ना, अगर मैंने एस को यहां डाला और सॉरी इधर में आर को अगर मैंने यहां डाला और एस को मैंने यहां डाला, तो टी और वी के लिए कोई भी जगह हमें नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ था, तो इसका देखो आर अगर यहां रहता है, एस यहां रहता है, तो मैंने एक बात बोला था, देखो एस का इतनी जगह है, ठीक है, एस को हम अगर और आर को अगर हम नया प्लेस अगर देते तो हो सकता है कि टी और वी का हमें नया प्लेस हमें मिल जाए। तो हमें क्या होता है कि इसमें आर को हम लोग हटा करके अगर हम लोगों ने आर को यहां डाला तो एक दो तीन चार ये इसको छोड़ करके तो एस यहां भी तो आ सकता है ना, एस को यहां में आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखो टी और वी को प्लेस अपना जगह क्यों नहीं मिल रहा था, अपना जगह टी और वी को इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि आर और एस को हमने पहले ही डाल रखा था, ऑन द बेसिस ऑफ आर और एस टी और वी को जगह नहीं मिल रहा था। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, आर और एस का जगह प्लेस हम लोगों ने चेंज कर दिया है, तो अभी देखते हैं कि टी और वी के लिए क्या हमें नया प्लेस मिल रहा है, क्या ये दोनों अभी फिट हो रहे हैं क्या इस पूरे डायग्राम में। देखो अब क्या हो ना, इधर में हम लोगों ने टी डाला तो देखो तीन, एक दो तीन, यहां में क्या वी का जगह मिल गया ना, देखो अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, तो देखो यहां में टी आया तो तीन, एक दो तीन, यहां में आ गया वी आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो देखो अब ये भी सॉल्व हो गया, देखो ये भी हमने डाल दिया अच्छा से, ये भी डाल दिया हमने अच्छा से, ये भी डाल दिया हमने अच्छा से, तो देखो यहां में टी है, यहां में आर है, यहां में पी है, यहां में क्यू है, ये वी है और यहां में एस आ गया, बचा कौन लास्ट में डब्ल्यू, और यहां में डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आई। देखो जस्ट स्टेप बाय स्टेप आपने क्या, देखो एक बार है यहां में आपने सबसे पहले क्या डाला, यहां में आर डाला था नहीं हो पाया, तो फिर चेंज किया आपने, फिर यहां में आर डाला, फिर आराम से हो गया, सारा कड़ी मिल गया है ना, तो इसी तरह से उसको सॉल्व किया जाता है। आई होप दैट यू आर गेटिंग, अगर कोई आपको समझ में नहीं आ रहा हो ना तो प्लीज व्हाट्सएप मी इन द नंबर आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, देखो डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया, उसमें आप व्हाट्सएप करो, अगर जो हमारे जो स्टूडेंट है वो डायरेक्टली आकर के मुझे इंस्टीट्यूट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, डाउट मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे जो स्टूडेंट है उसको डाउट नहीं आना चाहिए, बिकॉज मैं इसी तरह से आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है, पेन और पेंसिल का सही यूज करना, ठीक है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन है इसमें, जो क्वेश्चन थे मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। तो क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल अटेम्प्ट टेस्ट बिफोर आर, आर से पहले कितने लोगों ने टेस्ट दिया, ठीक है, तो जस्ट एक, तो आंसर इज वन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू का, देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, देखो अब फॉल्स की बात कर रहे हैं, क्यू टेस्ट ऑन क्यू, देखो क्यू का थर्सडे है, हाँ है, पी गिव्स टेस्ट बिफोर एस, देखो ऑफकोर्स यस, हाँ ये होता है। नेक्स्ट सी, थ्री पीपल गिव टेस्ट बिटवीन डब्ल्यू एंड आर, देखो ये है आर और ये है डब्ल्यू, तो तीन है, तीन जन है, ये दोनों के बीच में तीन जन टेस्ट दिया, तो ये सही है, ट्रू है, ठीक है। डी का देखते हैं, वी गिव्स टेस्ट आफ्टर एस, देखो एस के बाद किसी ने नहीं दिया तो वी कैसे देगा, क्योंकि वी जो है पहले दिया है, आफ्टर नहीं दिया, ठीक है, तो आंसर इज डी। ई में दिया है ऑल ऑफ द अबव आर फॉल्स, तो ये हो नहीं सकता, तो हमारा आंसर होगा, सही आंसर होगा डी। तो चल पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, डब्ल्यू गिव्स टेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, देखो डब्ल्यू का जो है फॉलोइंग डे, देखो ये डब्ल्यू है सैटरडे, ठीक है, ये डब्ल्यू, ये डब्ल्यू नहीं है, डब्ल्यू मैंने मार्क रॉन्ग किया था, ये है डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू के आंसर सैटरडे, सो आंसर इज ई। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है, समझ में नहीं आता तो कमेंट करना, ठीक है, मैं फिर से इसको बनाऊंगा अच्छी तरह से। देखो बहुत ही आसान था, प्रिंसिपल एक ही प्रिंसिपल फॉलोअप किया है, पूरे जितने भी पजल में सॉल्व करा ना एक ही प्रिंसिपल, और जस्ट लेफ्ट हैंड साइड से आप एजम्पशन करके चलो सारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है, मल्टीपल डायग्राम, बहुत सारे एक दो तीन डायग्राम बनाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, देखिए सेवन फ्रेंड्स आर विजिटिंग सेवन डिफरेंट सिटीज, नेमली झांसी, दिल्ली, ऊटी, शिमला, अमृतसर, लखनऊ एंड भुवनेश्वर, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, द वन हु विजिट्स झांसी इज इमीडिएटली अबव द वन हु विजिट्स लखनऊ, देयर आर ओनली टू पर्संस बिटवीन द वन हु विजिट्स अमृतसर एंड द वन हु विजिट्स झांसी, द वन हु विजिट्स उसी ऊटी इज इमीडिएटली इज अबव अमृतसर बट नॉट इमीडिएटली, अब देखो जो ऊटी में है ना वो अमृतसर के ऊपर है लेकिन इमीडिएटली ऊपर नहीं है, मतलब ऊटी और अमृतसर के बीच में कोई ना कोई एक बंदा है, ठीक है, मिनिमम एक बंदा है, ठीक है,
ओनली थ्री पर्सन्स आर देयर आर बिटवीन द वन हु विजिट्स शिमला एंड द वन हु विजिट्स ऊटी. द वन हु विजिट्स भुवनेश्वर इज इमीडिएटली अबव द वन हु विजिट्स शिमला. देखो जो शिमला में है ना, भुवनेश्वर में जो है वो शिमला के ठीक ऊपर है, ठीक है, वो दोनों के बीच में कोई नहीं है. ओनली वन पर्सन इज देयर बिटवीन द वन हु विजिट्स भुवनेश्वर एंड दिल्ली. ठीक है, भुवनेश्वर और दिल्ली के बीच में कितना है, एक है. ठीक है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग डाटा लिख लेते हैं. देखो अब देखो सेवन फ्रेंड्स है ना, तो हम लोग सेवन फ्रेंड्स लिख रहे हैं. देखो ये वन हो गया, ये टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड ये सेवन है. ठीक है, बिल्कुल ऐसा बनाना है. अब देखो सबसे पहला कंडीशन, द वन हु विजिट्स झांसी इज इमीडिएटली अबव द वन हु विजिट्स लखनऊ. देखो एक बात, अब ये जो लखनऊ है, लखनऊ के ठीक ऊपर है झांसी. ठीक है, और मैंने इस तरह से एक एरो डाल दिया. अब जब इस तरह से एरो डाला तो क्या हुआ, जो झांसी है वो लखनऊ के ठीक इमीडिएटली एबव है. ठीक है, इसका देखो दो टाइप के एरो होते हैं, दोनों टाइप के एरो का मैं मतलब बता रहा हूं आपको. अगर झांसी लखनऊ के ऊपर होता लेकिन इमीडिएटली ऊपर नहीं होता तो हम कैसे लगाते इसको. ये होता झांसी और इस तरह से एरो होता और ये एल होता. इसका मतलब है झांसी जो है वो लखनऊ के ऊपर है लेकिन इमीडिएटली ऊपर नहीं है. इसका मतलब है झांसी और लखनऊ के बीच में कोई ना कोई मिनिमम एक बंदा है, इसका मतलब होता है. ठीक है, हालांकि ये कंडीशन दिया है, ये कंडीशन नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए मैं मिटा दे रहा हूँ इसको. जस्ट मैंने आपको बताया कि इसका मतलब क्या है, मतलब साइड में अगर एरो होता है इसका मतलब है वो दोनों इमीडिएटली अबव और बिलो है. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. देयर आर ओनली टू पर्संस बिटवीन द वन हु विजिट्स अमृतसर एंड द वन एंड वन हु विजिट्स झांसी. देखो अमृतसर और जो झांसी के बीच में कितना है, दो है. ठीक है, और दो मैंने इस तरह से लगा दिया, दो फ्लोर का इस तरह से लगा दिया. देखो अमृतसर और झांसी, इसका मतलब ये नहीं कि अमृतसर ऊपर है, झांसी भी ऊपर हो सकता है, अमृतसर नीचे हो सकता है, बिकॉज इसमें कोई एरो मैंने नहीं डाला है. ठीक है, द वन हु विजिट्स ऊटी इज अबव द वन हु विजिट्स अमृतसर बट नॉट इमीडिएटली अबव द वन. देखो द वन हु विजिट्स ऊटी इज अबव अमृतसर. देखो ये जो ऊटी है ना वो अमृतसर के ऊपर है लेकिन इमीडिएटली ऊपर नहीं है, तो क्या मैं क्या मैंने कह दिया. देखो ये जो है वो जो है वो एक ही ठीक ऊपर है, दोनों के बीच में मैंने ओरो डाला है, तो आपको ये समझना होगा. ठीक है, इसका मतलब है ये जो ऊटी है ये अमृतसर के ऊपर है लेकिन इमीडिएटली ऊपर नहीं है, ऊटी और अमृतसर के बीच में कम से कम एक बंदा है. ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं. ओनली थ्री पर्सन्स आर देयर बिटवीन द वन हु विजिट्स शिमला एंड द वन हु विजिट्स ऊटी. देखो शिमला और ऊटी के बीच में कितना है, तीन है, तो शिमला इधर में ऊटी डाल दिया और ये है एक, ये भी एक कंडीशन है. जो जो कंडीशन है ना मैं जैसे एक ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, जब आप शॉर्ट ट्रिक आप जो एग्जाम जब कर रहे हो फास्ट में आप नहीं डालने से भी चलेगा, बिकॉज मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ आपको. ठीक है, देखो द वन हु विजिट्स भुवनेश्वर इज इमीडिएटली अबव द वन हु विजिट्स शिमला. देखो अभी जो भुवनेश्वर है ना वो जस्ट शिमला के ठीक ऊपर है. ठीक है, दे आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, और जो भुवनेश्वर है वो शिमला के ठीक ऊपर रहेगा. ठीक है, चलो ये चीज हो गया है. एंड नेक्स्ट लास्ट वाला दिया है, ओनली वन पर्सन इज देयर बिटवीन द वन हु विजिट्स भुवनेश्वर एंड दिल्ली. देखो ये जो भुवनेश्वर और दिल्ली के बीच में ना सिर्फ एक है, एक बंदा है. ठीक है, जस्ट मैंने इस कंडीशन को लिख दिया, सारा चीज हो गया है, मैंने कंडीशन को सारा लिख लिया है, उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है. बहुत सारे लोग जो है मल्टीपल डायग्राम बनाते हैं, बहुत सारे डायग्राम बनाते हैं, दो या तीन डायग्राम बनाते हैं, लेकिन हम लोग दो या तीन डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ एक ही डायग्राम से काम चलाएंगे, हम एक सिंगल स्टेप में हम लोग को सॉल्व करना है इसको. देखो बहुत सारा पजल आता है, लेकिन इस पजल का ना मतलब आपको समझना पड़ेगा कि बोर्ड का मेंटालिटी को समझना पड़ेगा कि बोर्ड किस टाइप के पजल्स आपको सेट कर रहे हैं. ठीक है, मैंने बहुत सारा पजल सॉल्व किया है और उसमें ये मिला है ना, अगर हम लोग कोई भी फ्लोरिंग, ये फ्लोरिंग टाइप का क्वेश्चन है ये. ठीक है, अगर कोई भी फ्लोरिंग टाइप का क्वेश्चन में अगर हम लोग नीचे से मतलब बॉटम से अगर हम लोग ट्रायल करते हैं ना, तो आंसर हमें बहुत जल्दी मिलता है. मल्टीपल डायग्राम बनाने की कोई जरूरत है, अगर नहीं भी मिलता है ना तो हम लोग इसी में मल्टीपल ट्राई करेंगे, लेकिन डायग्राम बहुत सारा बना लेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा डायग्राम नहीं बनाना चाहिए. देखो अब उसको सॉल्व करते हैं. देखो अब ये कंडीशन नंबर वन लिखा है, ये देखो ये कंडीशन जे और एल की बात थी, जे से ए मिल जाएगा, ए से ओ मिल जाएगा, तो ये सारा हमें मिल गया. तो सबसे पहले क्यों ना हम लोग एल और जे को ट्राई करेंगे, आपको मन में और एल और जे को हम लोग रखेंगे क्या, मल्टीपल जगह है. देखो बहुत सारा जगह है, लेकिन हमने हमेशा बोला है आपको कि जब फ्लोरिंग टाइप का जो क्वेश्चन होगा सबसे नीचे मतलब नंबर वन फ्लोर में आपको एल रखना होगा, क्योंकि यहां से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा. एल है या में है जे, ठीक है, एल और जे रखा, ये सारा कंडीशन हो गया. अब जे और ए के बीच में कितना है, दो फ्लोर है. देखो ये जे है, एक और दो फ्लोर हम लोग लिख छोड़ देते हैं और यहां में क्या हो जाएगा, डेट इज ए. कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन रहा है. देखो अब ये ए हो गया. अब देखो ए के ऊपर है और लेकिन इमीडिएटली ऊपर नहीं है, तो आपको आराम से मिल गया ये. ये देखो इसके इधर में वो नहीं होगा, ए उधर वो इधर होगा, क्योंकि इमीडिएटली अबव नहीं है. ठीक है, अब जरा देखो ओ और एस की बात कर रहे हैं.
अगर वो इधर है तो एस तो इधर ऊपर नहीं जा सकता, तो एस को हमको कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन दो मतलब तीन फ्लोर है इसके बीच में, ये ओ और एस है, देखो एक दो और तीन अगर फ्लोर हो गया तो इधर में क्या हो जाएगा, डेट इज एस, है ना। तो चलिए ये कंडीशन भी पूरा हो गया, सारा कंडीशन पूरा हो रहा है। अब देखो एस जो है एस के ठीक ऊपर है बी, मतलब इमीडिएटली अबव है, तो एस इधर में है तो क्या हो जाएगा, इधर में बी हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, बी और डी के बीच में एक फ्लोर है, तो अगर इधर में बी है तो एक फ्लोर को छोड़ दो, इधर में क्या होगा, डी हो जाएगा, बन गया पजल। ठीक है, देखो एक लाइन में बनाया मैंने, ठीक है, एक लाइन में पजल बनाया। अगर आप मल्टीपल डायग्राम बनाएंगे उतना ही कंफ्यूजन होगा। ये आईबीपीएस क्लर्क 2018 का प्रिलिमिनरी का क्वेश्चन है, तो सोचिए कि कितना कितना जल्दी ये बन जाता अगर आप सही अप्रोच अगर आप सॉल्व आप अपनाते सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए थे तो मैं एक एक करके क्वेश्चन भी सॉल्व कर देता हूं। देखो क्वेश्चन अभी क्या है, हाउ मेनी पीपल्स आर विजिटिंग बिटवीन द वन हु विजिट्स ऊटी एंड द वन हु विजिट्स भुवनेश्वर, तो ऊटी और भुवनेश्वर के बीच में कितना है? देखो यहां में ऊटी है और ये भुवनेश्वर है, दोनों के बीच में ये दो बंदे हैं। ठीक है, तो आंसर होगा ट्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज विजिटेड इमीडिएटली बिफोर दिल्ली। देखो दिल्ली से ठीक पहले क्या होगा, आंसर ऊटी। ठीक है, आंसर होगा ऊटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट रिगार्डिंग अमृतसर विद रेस्पेक्ट टू द भुवनेश्वर। देखो अमृतसर और भुवनेश्वर की बात कही है, तो हम लोग को जब ना जब हमने कोई भी पजल का जब राइट और रॉन्ग जब हमें करना पड़ता है, जो भी कभी पजल का जब हमें ये देखना पड़ता है कि करेक्ट और इनकरेक्ट क्या होता है, जैसे ट्रू और फॉल्स, तो कभी भी आपको नंबर वन ऑप्शन से रीड आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बोर्ड ये ट्रू और फॉल्स का जो आंसर है ना उसको नंबर वन में नहीं रखता है, क्योंकि बोर्ड चाहते हैं कि आपका समय कुछ समय बर्बाद हो। तो क्या करना चाहिए इस टाइप की सिचुएशन का, क्या करना पड़ता है, हमें बॉटम से देखना पड़ता है, मतलब सबसे लास्ट ऑप्शन से देखना स्टार्ट करो। चलो लास्ट ऑप्शन पढ़ते, देखो ई, अगर ई तो दैट इज नन ऑफ दिस, कुछ होगा नहीं। डी का पढ़ते, द वन हु विजिट अमृतसर इज द पर्सन इमीडिएटली अबव भुवनेश्वर। देखो अब अमृतसर जो अबव, देखो अमृतसर जो है ना वो भुवनेश्वर के ठीक ऊपर है, ये है, मिल गया हाँ, तो देखो ये डी में ही मिल गया, तो ए बी सी पढ़ने के लिए कोई दरकार नहीं था, मतलब जरूरत नहीं था, ये इसमें मिल गया। तो हमेशा याद रखना जब भी कोई पजल का क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, कर रहे हो सॉल्व, तो लास्ट मतलब अगर ट्रू और फॉल्स का पूछा गया तो सबसे लास्ट में देखा करो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 पीपल्स आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज कंटेनिंग 6 पीपल ईच। देखो ये पैरेलल रो का स्टोरी है, और मतलब 6 साउथ में दिख रहे, तो 6 नॉर्थ में दिख रहे, इन सच अ वे देयर इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्संस इन रो 1 ए बी सी डी ई एफ आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। ठीक है, इन रो 2 पी क्यू आर एस टी एंड वी आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। There is a given arrangement. Each member seated in the row faces the another member of the other row. ठीक है, तो चलो अभी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलो अभी मैंने दो ऐसे पैरेलल रो बनाया, ये पैरेलल रो है। ठीक है, ये पैरेलल रो का क्वेश्चन है, तो इस तरह से पैरेलल रो होगा। सो ए बी सी डी ई एफ है ना, वो लोग साउथ में देख रहे हैं। ठीक है, मैं देखा ये ए बी सी डी ई और एफ, ये दो ये साउथ है, ये रो वन है, और ये कहां देख रहे हैं, साउथ में देख रहे हैं। अब दूसरा पी क्यू आर एस टी है ना, पी क्यू आर एस टी है ना, और टी के बाद होगा वी, और ये रो टू है, और ये लोग कहां देख रहे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं। ठीक है, सो इस तरह का कंडीशन है। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस। देखो वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस। देखो अभी क्या करना है, इधर में हमने डाला एस है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड है ना, तो इसमें कहना वी सिज थर्ड टू द राइट ऑफ एस, तो देन होगा वी, वी मैंने लगा ये एस है। ठीक है, तो चलो देखो मैंने, देखो ये डायग्राम जब इसको जब मैंने बना लिया, तो इसका मतलब हमें इसका ऑपोजिट वाला भी मिल गया, क्योंकि हर कोई मेंबर ऑपोजिट मेंबर को फेस कर रहा है। तो ये वी है, तो हम इधर में भी ये लगाते हैं, इसका भी इधर लगाते हैं, इसका भी ये हो गया और इसका भी ये हो गया। तो देखो टोटल कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, यहां भी 6 लोग हैं, है ना। हमें कितना का डाटा मिला, 4, 2 मिसिंग है, 2 यहां भी हो सकता है, 2 यहां भी हो सकता है। चलो आगे पढ़ते हैं, एस फेसेस एफ है ना, ये जो एस है ना वो एफ को फेस करे, तो मैंने इधर में एफ लगाया। ठीक है, चलो देखते हैं, एंड एफ डजंट सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। देखो ये जो एफ है ना वो एक्सट्रीम एंड में नहीं है, तो इधर में चलो इधर में कोई होगा। ठीक है, एफ एक्सट्रीम एंड में नहीं है, तो इसका मतलब यहां में भी कोई होगा, है ना। तो चलो देखो अभी कितना मिल गया, हमें मिल गया टोटल 5। अभी जो सिक्स्थ है वो यहां भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है। ठीक है, यहां भी बैठ सकता है, यहां बैठ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से है स्टोरी। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, डी सिज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। देखो डी सिज थर्ड टू द राइट ऑफ सी है, तो अगर ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हम डी सिज थर्ड टू द राइट ऑफ सी है ना, तो देखो डी सिज, अभी मैं बना के दिखाता हूं, डी सिज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, ये सी है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है ना, तो इस तरह से हमें लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि वो उल्टा हो जाएगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले डी लिखना, फर्स्ट सेकंड, इधर में क्या होगा, ये सी, इस तरह से अरेंजमेंट होगा, हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि देखो ये उल्टा, इस तरह से फिट होगा। ठीक है, आपको इसको समझना चाहिए, क्योंकि उल्टा है तो ये उल्टा से फिट होगा। ठीक है, चलो डी सिज थर्ड टू द राइट, आर फेसेस सी। ठीक है, आर जो है वो सी को फेस कर रहा है। देखो एक बात है,
अगर ये सी है ठीक है तो इधर में होगा आर, आर जो है वो सी को फेस कर रहा है, बस एक इंफॉर्मेशन मैंने लिख लिया है ठीक है। द वन फेसिंग ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी, देखो अब देखो ये पी तो है नॉर्थ में दिख रहा है, देखो अभी क्या बोल रहे हैं, द वन हु फेसिंग ई है ना, तो जो भी ई को फेस कर रहा है, सपोज यहां में ई बैठा है ठीक है, जो भी ई को इस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी, देखो यदि में अगर पी बैठेगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इस तरह का कंडीशन है ये ठीक है। सो होप यू आर गेटिंग, देखो अब जो बी एंड पी डू नॉट सिट एक्सट्रीम, देखो बी और पी जो है ना एक्सट्रीम इन में नहीं बैठा है, तो हमने क्या देखा, इधर में बी लगाया और ये पी लगाया ठीक है, दे आर नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन ठीक है। तो जस्ट इसको समझने का बात है, आपकी तरह आपकी मर्जी, आप कैसे करके इसको लगाते हैं ये आपकी मर्जी, लेकिन जैसे देखो बी और पी डजंट सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, तो इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सट्रीम एंड में ये नहीं है ठीक है। टी इज नॉट इन इमीडिएट नेबर ऑफ वी, देखो ये टी जो है ना वो वी का इमीडिएट नेबर नहीं है, बट दे आर नॉट सिटिंग टुगेदर, उन लोग साथ में नहीं बैठे हैं। ए इज नॉट इन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, देखो ये जो ए है और सी दे आर नॉट सिटिंग टुगेदर ठीक है। तो इस तरह से conditions ये दिया गया है, मैंने सारा conditions लिख लिया है, चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो टोटल कितना है, 6 6 यहां में 5 है और यहां में 5 है, तो अभी सिक्स्थ जो है वो कहां आ सकता है, सिक्स यहां आ सकता है और सिक्स यहां आ सकता है और सिक्स यहां आ सकता है, या फिर एक लाइन में करूंगा देखो। तो ये आपके मानने के बात है, देखो मैंने जितना भी क्लास में मैंने पजल्स कराया है ना, मैंने इसी तरह से सब पजल सॉल्व कराया, सारे पजल सॉल्व हो जा रहे हैं। अब सिक्स्थ पर्सन ये हो सकते हैं या फिर ये हो सकते हैं, ऑलराइट। तभी जरा देखो, तो क्यों ना मैं इधर से स्टार्ट करूं, क्योंकि देखो अगर यहां से मैंने एजम्पशन करना स्टार्ट किया तो अगर ये सेटिस्फाई नहीं किया तो हम लोग यहां से देखेंगे, इसका मतलब ये होगा वो आदमी है ना, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो अब देखो यहां में हो डी ठीक है, दो एक इसको छोड़ करके हम लोग क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बहुत ईजी है, देखो डी है इधर में सी हो जाएगा, सी के ऑपोजिट कौन है, इधर में आ रहा है, देखो सिक्स आदमी इधर है ना, तो जस्ट हमें इसको एजम्पशन कर, इसको एजम्पशन करके मैं स्टार्ट कर रहा हूं ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को पहले वाला एजम्पशन करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट एजम्पशन करके हम चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं ठीक है। चलो ये डी है तो इधर में सी हो जाएगा, सी के ऑपोजिट में आ रहा है, तो ये दोनों खत्म हो जाए ठीक है। पी और ई के जो ये दोनों का जो सेटिंग्स है क्या है, देखो अब ई कहां हो सकता, अगर मैंने ई इधर लगाया ना तो पी बहुत इधर आ जाएगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, तो यहां में तो E नहीं हो सकता, यहां E नहीं हो सकता, यहां E हो सकता, जरा देखते यहां में E होने से क्या होता है। देखो अब यहां में E हो गया ना ये ठीक है, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां में P हो सकता है ना, कोई इशू नहीं आया ठीक है, देखो इसको मैंने सेट किया, कोई इशू नहीं आया। अब देखो अब उन लोगों ने क्या बोला, देखो इसको मैंने D माना तो ये कोई नहीं है, हाँ इधर से कोई नहीं है, ये नहीं है क्योंकि टोटल 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 मिल गया। तो देखो B and P are not at the extreme end of the line, तो देखो यहां में तो B नहीं आ सकता, तो यहां में क्या हो जाएगा, B आ जाएगा ठीक है, और यहां में क्या बचेगा, that is A बचेगा, right? देखो और एक बात इन लोगों ने कहा है कि A and C are not, ठीक है A and C तो ये हो गया, A and C are not together ठीक है, ये तो हो गया, ये इसको जरूरत नहीं है, नहीं पड़ी हमें। T and V ठीक है, T और V are not together, देखो अब यहां में V है तो यहां में T नहीं आ सकता, तो T तो यहां तो आ सकता है ना, अगर T यहां आ सकता है, देखो सारा बन गया, उधर में क्या बचेगा लास्ट में, क्यों देखो एक लाइन में बन गया पजल, एक लाइन में बन गया ठीक है। ये IBPS क्लेरिकल का है, तो बहुत ही आसान, मतलब देखो क्वेश्चन आसान ही होते, उसको अगर अप्रोच अगर सही तरीके से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाते हैं ठीक है, आपको चाहिए कि अप्रोच अच्छा से करें। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में बहुत, देखो मैंने बताया था क्लास में, देखो यहां में एक बंदा आना था या फिर यहां में एक बंदा आना था, तो हमने क्या किया, सिक्स्थ आदमी को ये मान लिया, मान के चलना पड़ेगा, मैंने बताया था आप लोगों को मान के चलना पड़ेगा, आप लेफ्ट हैंड साइड से मान के चलो, आपका पजल्स बन गया ठीक है। ये था सेकंड पजल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था ठीक है, इस टाइप के पजल्स आप मान के चलो कि क्वेश्चन नंबर आना ही है, ये आना ही है ठीक है, ये पैरेलल लाइन का क्वेश्चन बहुत ही, मतलब दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पजल है, हर टाइप के क्वेश्चन, हर टाइप के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ठीक है। होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, तभी चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर्स। देखो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, who among us the following represent the people sitting at the extreme end of the rows, देखो extreme end में अगर हम लोग देखते हैं, देखो यहां में सबसे पहले R and F लिखा, तो R middle में बैठा, तो बीच में बैठा, तो वो नहीं होगा आंसर। T है ना, देखो T और A, देखो ये जो T है और ये है extreme end में है, तो ये हमारा आंसर हो गया। D and R, D और next को भी देख लेते हैं, D and R, R is in the middle, जरूरत नहीं उसका, नहीं मिलेगा। S and A, देखो ये S middle में बैठा, तो नहीं होगा, तो answer is, our answer is T and A, ठीक है। So the next question, four of the following five are alike in a certain way and thus form a group, which is the one that doesn't belong to that group, ठीक है। ये odd man out है, देखो अभी B and T है ना, चलो B and T का अगर हम लोग देखते हैं, B and T देखो ऐसे क्या, ये एक particularly एक sequence बना रहा है, A and Q देखो, A and Q एक sequence बनाया, और C and S देखो, C और S एक sequence बनाया है ना, F and P अगर हम लोग F और P का भी एक sequence बनाया है ठीक है, D and R जरा देखो, D and R का कोई sequence नहीं है, बिल्कुल अलग है, मतलब ये जो चार है ना, ये एक sequence बना, एक particular sequence follow किया, लेकिन D and R वो follow नहीं किया, तो answer is D and R ठीक है।
तो इसी तरह से ये बहुत ही कॉमन, देखो एक इस क्वेश्चन के बारे में एक थोड़ा सा चीज बताना चाहता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है, जो ये अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन है ना, बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। सो इसको देख करके मुझे याद आया कि बहुत सारे बहुत सारे साल के क्वेश्चन में ये पैटर्न फॉलो किया, तो ये क्वेश्चन आप इस पैटर्न को अच्छे से याद रखिएगा, हेल्प हो सकता है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड थस फॉर्म अ ग्रुप व्हिच इज द वन डजंट बिलोंग टू दैट ग्रुप। देखो अब डी एस बी टी ए ना, देखो डी एस बी टी ए, देखो डी है इधर में, ठीक है, डी एस है ना, वी टी एन ए, ठीक है, आंसर इज एस बिकॉज इट इज सिटिंग इन द मिडिल, मतलब कुछ भी बीच में बैठा हुआ है, लेकिन बाकी सारे एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन है, तो आंसर इज एस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड विद इन आर ओ टी, आर ओ टी के बीच में कितने लोग बैठे हुए। देखो हमने देखा ये टी है और ये है आर, टोटल ये दोनों के बीच में दो लोग बैठे हैं, टी एन एस, ठीक है। सो ये आंसर था, क्वेश्चन इज फिनिश्ड। सो आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। मेरा मेन एम है कि आपको समझ में आए कि मैं क्या कर रहा हूँ उसमें, ठीक है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार कंपैरिजन का क्वेश्चन है। देखिए कंपैरिजन को क्वेश्चन तीन मार्क का आया था, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो 6% एम एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है, आर हैविंग डिफरेंट हाइट, ठीक है। सो एन इज टॉलर देन, एन इज टॉलर टू पी, एन इज टॉलर देन आर बट शॉर्टर देन पी, एटलीस्ट 2% इज शॉर्टर देन आर, द नंबर ऑफ पर्सन टॉलर टू क्यू इज सेम एज द शॉर्टर टू ओ, क्यू इज टॉलर देन एम, ठीक है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो एन इज टॉलर देन पी, देखो इसको हम लोग कर सकते हैं, देखो इसमें लिखा कि एन इज टॉलर टू पी है ना, तो ये होगा एन इज टॉलर टू एम इज टॉलर टू पी, ठीक है। सो एक बन गया नेक्स्ट है ना, तो फिर ये कहा कि एम इज टॉलर देन आर, देखो ये जो है ना, ये अगर m इज टॉलर देन r है, ठीक है, m इज टॉलर देन r है बट शॉर्टर देन है ना, बट शॉर्टर देन p है, तो हम लोगों ने p इधर लगाया, ठीक है। देखो m इज टॉलर देन r बट शॉर्टर देन p, इस तरह से आ गया, तो n इज टॉलर देन p है, तो p क्यों ना हम इस p को सब्स्टिट्यूट करके, ये n क्योंकि n इधर है तो इधर में n आ जाएगा, अभी सारा मेटेरियल इसका इधर आ गया, तो इसका कोई काम करने है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो एटलीस्ट 1% इज शॉर्टर टू r, देखो कम से कम एक आदमी आर से छोटा होगा, तो कम से कम आर सबसे छोटा नहीं है, तो आर के इधर में एक रहेगा, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है, ये कंपैरिजन जो टेस्ट का है, द नंबर ऑफ पर्सन टॉलर टू क्यू इस, देखो अब नंबर ऑफ पर्सन टॉलर टू क्यू है ना, क्यू से जितने लोग ऊपर, मतलब क्यू से जितने भी लोग बड़े हैं उतने ही लोग छोटे ओ से है, ठीक है, ये है कंडीशन। अभी कंडीशन को मैं फिर से पढ़ देता हूं, द नंबर ऑफ पर्सन टॉलर टू क्यू इज सेम एज शॉर्टर टू ओ, जितने भी लोग अगर Q से बड़े होंगे उतने ही लोग O से छोटे होंगे, अगर Q से बड़े दो लोग होंगे तो O से भी छोटे दो लोग होंगे, अगर Q थर्ड फ्रॉम द टॉप होगा तो O जो है थर्ड फ्रॉम द बॉटम होना है, मतलब इस टाइप के कंडीशन सही है, ठीक है। चलो देखो Q इज टेलर टू M, देखो Q जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जो लिखा है जो Q है वो टेलर टू M है, Q जो है M के बड़ा है। देखो अब इसको ध्यान से, इसको एक वन शॉट में सॉल्व करना है इसको, देखो बहुत ही मतलब कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना आसान क्वेश्चन है, दो तीन मार्क का आया था, या तीन मार्क जस्ट कुछ सेकंड्स में आपको मिलेंगे, ठीक है। देखो अब देखो ये जो m है ना, m से बड़ा क्यों है, ये 100% होना है। अब देखो कितना टोटल कितना, छह लोग थे, 6% 1 2 3 4, चार मिल गया बचा दो, अब उन दोनों में से एक यहां आना है, ठीक है। अब दोनों में से देखो q तो नहीं आ सकता क्योंकि q m से बड़ा है, तो आएगा कौन, ओ, राइट। तो जरा देखो अब Q को 100% M के ऊपर जाना है, ठीक है, M के ऊपर ही रहना, आप बजा Q यहां भी आ सकते हैं, यहां भी आ सकते हैं, यहां भी आ सकते हैं। आप देखो अब Q का प्रॉपर पोजिशन हम लोग कैसे पता लगाएंगे, O से देखो O के नीचे कोई नहीं जाएगा, 100% है, O के नीचे कितने, कोई भी नहीं है ना, तो इसका मतलब Q के ऊपर भी कोई नहीं रहेगा, ठीक है, ये होगा Q, दैट्स ऑल, इट इज सॉल्व, कंपैरिजन इज सॉल्व, जस्ट विद इन अ सेकंड इट इज सॉल्व, ठीक है। सो इस टाइप के कंडीशन थे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान था। देखो अभी हम लोग ना एक एक करके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर टू क्यू, आंसर इज जीरो, क्योंकि क्यू से एक भी बड़ा नहीं है, कोई भी आदमी बड़ा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट इन द ग्रुप, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है ओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, हु अमंग द फॉलोइंग इज टॉलर टू एन, एन से बड़ा कौन है, आंसर इज क्यू, ठीक है। So, ये थे questions, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन भी आया था, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन में क्या लिखा है, ई इज 10 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ आई, है ना, देखो ई इज 10 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ आई, इसका मतलब आई इधर कहीं होगा, ठीक है, मैं इस आई को इधर लगाता हूँ, ये होगा आई, एंड ई इज 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ आई, आई के वेस्ट में है, तो होगा इधर में, एंड इधर में होगा ई, दैट इज 10 किलोमीटर, ठीक है। देखो मैं फिर भी बता देता हूँ आप लोगों को नॉर्थ वेस्ट साउथ क्या होता है, देखो अब ये होता है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये ईस्ट है, और ये क्या वेस्ट है, ठीक है, ये होगा नॉर्थ ईस्ट,
ये है आपका साउथ ईस्ट, ये होगा साउथ वेस्ट और ये होगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। सो ये बेसिक डायग्राम है, अगर किसी को नहीं आ रहा होगा तो आप लोग समझ जाइए, ठीक है। देखो अब क्या है इसमें, सी इज 5 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ ई, ठीक है, ई के साउथ में है 5 किलोमीटर, इसका मैंने आधा लगा दिया, ये हो गया और ये हो गया सी, ठीक है। इसमें ये लिखा है सी इज 5 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ ई, ठीक है, ई इज 15 किलोमीटर ईस्ट ऑफ सी। देखो सी के ईस्ट में है 15 किलोमीटर, वो है ए। देखो अब यहाँ में मैंने ले लिया ये है, ठीक है। अब देखो इधर से लेकर के इधर तक कितना 10 किलोमीटर हुआ ना, तो एक और 5 किलोमीटर जाना होगा, ठीक है। ये ले लिया मैंने 5 किलोमीटर और ये होगा ए, ठीक है। ये 10 किलोमीटर के पास टोटल हो गया 15 किलोमीटर, ठीक है। चलो देखते हैं, एफ इज 10 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ एच, है ना। देखो एच के वेस्ट में है एफ, तो इधर में ना ही एच है ना ही एफ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एच और एफ को हम लोग बाहर में बना के रख देते हैं, बाद में इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए इस चीज़ों को, अगर इस तरह का आप लोग क्या करते हैं ना कि वो जो है वो पैरा में पैरा है जो लिखा है डायरेक्शन से इसको क्वेश्चन में, अगर उसको उधर ही छोड़ देते ना तो बाद में ढूंढने लगते कि क्या क्या है उसमें, है ना। उससे अच्छा बना करके सब बाहर में रख दो, आपको बाद में आराम से सब्स्टिट्यूट करने का मौका मिल जाएगा, तो ये ज़्यादा अच्छा आइडिया है ना। एफ इज 10 किलोमीटर द वेस्ट ऑफ एच, और एफ इज 10 किलोमीटर द वेस्ट ऑफ एच, ये मैंने लिख करके रख दिया बाहर में, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे, बी इज 5 किलोमीटर द वेस्ट ऑफ ए, बी इज 5 किलोमीटर, देखो ए ही यहाँ, तो इधर में होगा बी, जस्ट एक पॉइंट है जस्ट मैंने इसको लगा दिया है, ठीक है, आपको कोई थोड़ा भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखो एच इज 5 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ई, है ना। देखो एच इज 5 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ई, इधर में है और एच इधर में, तो आप आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 5 किलोमीटर। देखो अब मैंने यहाँ में लगा दिया एच को, ये हो गया 5 किलोमीटर, तो एफ और एच का पहले से दिया हुआ रिलेशन, ठीक है, ये हो गया 10 किलोमीटर, तो मैंने ये लिया 10 किलोमीटर, ठीक है, ये 10 किलोमीटर मैंने ले लिया है और ये होगा एच एफ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, डी इज 15 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ सी, देखो D is 15 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ सी, तो हमने क्या किया, इधर से लेकर के इधर तक लिया, ये हो गया 10 और एक 5 लेना पड़ेगा, छोटा सा मैं ले लेता हूँ, जगह नहीं है बिल्कुल, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 5, ठीक है। सो टोटल इधर में हम लोग D लगा दिया, ठीक है। चलो देखते हैं आगे, ठीक है, G is 5 किलोमीटर टू वेस्ट ऑफ F, F के वेस्ट में है G जो है 5 किलोमीटर, तो मैंने इधर में ले लिया, ये हो गया G और ये मैंने 5 किलोमीटर ले लिया, ठीक है। बस ये है कंप्लीट डायग्राम इसका, और इसके ऊपर हमें आंसर देना है। आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा, तो समझ में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, डायग्राम बनाना बहुत आसान रहता है इसको। तो देखो 3 मार्क का आया था ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, देखो कौन सा स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ठीक है। तो सर सब एच ई सी, देखो एच ई सी, एच ई और सी स्ट्रेट लाइन में है तो ये हमारा आंसर नहीं है। सी बी ए है ना, तो सी बी ए, देखो ये सी है, सी है, बी है और ए, दे आर स्ट्रेट लाइन, तो नहीं हमारा। आई एफ सी, देखो ये है आई और ये एफ है और ये सी है, दे आर नॉट इन द स्ट्रेट लाइन, सो इट इज द आंसर। दूसरे को भी देख लेते हैं, जी एफ एच है ना, तो जी एफ और एच दैन स्ट्रेट लाइन में है। डी सी बी, देखो डी सी बी अगर देखते हैं, डी सी बी आर स्ट्रेट लाइन, सो हमारा आंसर होगा सी, ठीक है। सो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ जी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो देखो ये G है वो ये A है, तो आंसर देखो ये A है ना, A न्यूट्रल पॉइंट होता है, ठीक है, तो G कहीं ना कहीं इस तरफ आ जाता है क्योंकि A न्यूट्रल पॉइंट आता है, तो G ऐसे आएगा, ठीक है। तो अगर बिल्कुल ऐसे आएगा, ये है ऐसे, ठीक है, ऐसे आएगा, तो ये है वो नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो चलो देखते हैं, आंसर इज ऑप्शन सी, बी इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू सी एंड एट वॉट डिस्टेंस। देखो बी जो है ना, कितना है डायरेक्शन में, वो होगा आंसर इज ईस्ट एंड डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर, ठीक है। सो ये है आंसर, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया है कुछ सेकंड्स में, कुछ मतलब मान लीजिए कि मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए, 3 मार्क का क्वेश्चन था, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन है वो सिलोजिज्म का है, सिलोजिज्म का जो भी क्वेश्चन है, मतलब हर प्रीलिम्स और फिर मेंस एग्जामिनेशन में सिलोजिज्म का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। सो प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आपको एकदम मतलब बहुत ही अच्छा से करके आना है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन कभी भी मत छोड़ना, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलो देखते हैं सिलोजिज्म का क्वेश्चन, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा कि ऑल बाइक्स आर कार है ना, तो चलो मैं डायग्राम बनाता हूँ। ऑल बाइक्स आर कार, ये हो गया बाइक, ऑल बाइक्स आर कार्स है ना, तो हमारा ये होता है कार हो जाए, ऑल बाइक्स आर कार हो गया। सो नंबर टू, सम कार्स आर ट्रक, देखो ये कार हो गया, तो हमने ये दे दिया ट्रक, ये हो गया ट्रक, ठीक है, सम कार्स आर ट्रक हो गया। नंबर वन आपसे क्या कह रहा है, सम बाइक आर ट्रक, सम बाइक आर ट्रक, देखो ये जो सम कार्स आर ट्रक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि सम ट्रक आर बाइक्स हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं होता, लेकिन ये हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी में हो भी सकता है, लेकिन डेफिनेट में ये रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारा क्या होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नंबर टू में जरा देखते हैं, नंबर थ्री में ये है, नो ट्रक इज ए कार, देखो
ये ट्रक है और ये कार है, सम कार सर ट्रक बोल ही दिया तो नो ट्रक इज ए कार का कोई मतलब नहीं होता, ये रॉन्ग हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं एक बात आपको बोलूंगा इसमें कि जब भी ना कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट होता हो तो उसका नेगेटिव आंसर नहीं होता है, ठीक है। तो दोनों ही पॉजिटिव था लेकिन सेकेंड वाला नेगेटिव था, जैसे कि इस पर लिखा नो ट्रक इज ए कार, तो ये रॉन्ग होगा, ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। चलो देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। देखो अब दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि सम बॉक्स आर टेबल। देखो सम बॉक्स आर टेबल होगा तो हमने ये लगाया सम बॉक्स आर टेबल्स, ये बॉक्स हो गया और ये हो गया सम बॉक्स आर टेबल्स, ठीक है। नो टेबल इज ए बोर्ड, देखो ये टेबल हो तो मैंने चलो इधर में बोर्ड लगा दिया, ठीक है। हमने ये टेबल है ये बोर्ड है, हम लोग ने इसको रॉन्ग कर दिया, इस तरह का कंडीशन है। सम बोर्ड आर वॉल, ये जो बोर्ड है हम इसको लगा देते हैं वॉल, ठीक है। चलो अब देखते हैं कंक्लूजन, कंक्लूजन नंबर वन में ये कह रहा है कि सम बोर्ड आर बॉक्स। देखो सम बोर्ड आर बॉक्स, अब क्या होता है नो टेबल इज ए बोर्ड या फिर नो बोर्ड इज ए टेबल, इसका मतलब ये नहीं होता है कि सम बोर्ड आर बॉक्स नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं होता है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इस पर दिखने से लग रहा है कि नहीं होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, अगर ये बॉक्स है ना तो हम इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकते थे। तो चलो यहां में हमने बोर्ड लगा दिया तभी भी तो नो टेबल इज ए बोर्ड आ रहा है ना, तो चलो ये हो गया बोर्ड, ठीक है। और सम बोर्ड आर वॉल, ठीक है, इस तरह से भी हो सकता था, और ये दोनों नहीं आ रहा है देखो, तभी ये पॉसिबल था, तो पॉसिबिलिटी में सही हो जाता है लेकिन डेफिनेट में ये रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारा ये रॉन्ग है ऑप्शन नंबर वन, ठीक है। ऑप्शन नंबर टू में जरा देखिए, ऑप्शन नंबर टू में क्या कह रहा है, नो बॉक्स इज ए बोर्ड, ठीक है, ये बोर्ड है और ये बॉक्स, नो बॉक्स इज ए बोर्ड, दिखने में तो ऐसा लग रहा है लेकिन ये हो भी सकता है, देखो ये हो रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन एक बात है कि ऑप्शन नंबर, अगर कंक्लूजन नंबर वन अगर हम लोग देखते हैं, नो बोर्ड इज ए बॉक्स, और सेकंड वाला में बोर्ड और बॉक्स का दिया हुआ रिलेशनशिप, दोनों में ही बोर्ड बॉक्स है, दोनों ही मतलब बोर्ड और बॉक्स दोनों में ही है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, और दोनों ही रॉन्ग हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, ये हो सकता है आइदर केस, आइदर और केस है, ठीक है। तो इसका आइदर केस होगा, सो इसका आंसर होगा आपका डी, आइदर कंक्लूजन वन और टू फॉलोस, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सम टॉफी आर चेयर्स, सम टॉफी आर चेयर, देखो देखो हमने लिखा ये टॉफी और ये हो गया हमारा चेयर, सम टॉफी आर चेयर्स, ऑल चेयर्स आर डायरी मिल्क, ऑल चेयर्स आर डायरी मिल्क, इसको डायग्राम ऐसे बनाते, ठीक, ऑल चेयर्स आर डायरी मिल्क, देखो सम टॉफी आर चेयर्स, ऑल चेयर्स आर डायरी मिल्क, इसका मतलब टॉफी जो है वो डायरी मिल्क नहीं होना चाहिए, डायग्राम में ऐसा लगना चाहिए, दिखना, इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। ऑल चेयर्स आर डायरी मिल्क, तो चेयर से मैं डायरी मिल्क मैंने लगा दिया, ठीक है। चलो नाउ नो डायरी मिल्क इज ए चोकोबार, जो डायरी मिल्क है चोकोबार नहीं है, तो हमने यहां में लगा दिया चोकोबार, चोकोबार, तो ये होगा कट गया, नो डायरी मिल्क इज ए चोकोबार। कंक्लूजन नंबर वन, सम चोकोबार बिंग टॉफी इज ए पॉसिबिलिटी, देखो सम चोकोबार बिंग टॉफी इज ए पॉसिबिलिटी, ये है क्योंकि डायरी मिल्क नहीं है चोकोबार, लेकिन टॉफी जो है वो चोकोबार हो सकता है, इसमें लिखा सम चोकोबार बिंग टॉफी इज ए पॉसिबिलिटी, ये सही हो जाएगा, नंबर वन इज करेक्ट। नंबर टू जरा देखते हैं, नंबर टू ये है नो टॉफी इज ए चोकोबार, देखो ये टॉफी जो है वो चोकोबार नहीं है ऐसा बोला, ऐसा कुछ नहीं है, ये हो भी सकता है, अगर हम इस चोकोबार को अगर हम ऐसे बनाते तब भी ये पॉसिबिलिटीज हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है और ये नहीं भी हो सकता है, तो अभी इसमें ये लिखा कि नो टॉफी इज ए चोकोबार, तो ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इसको रॉन्ग कर देते हैं। चलिए देखते हैं सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, देखो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड अनसेटल्ड, each of which has as many letters between them, both forward in the backward condition, direction, them in the word as they would have been in between them in the English alphabetical series, ठीक है, इस तरह का question है, तो आपको question को देख के पता चल जाएगा कि question का मतलब क्या है, क्योंकि ये question एक ही mark का आता है हर exam, हर bank का exam में, और इस question को किस तरह से करना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही easy method है जिस method से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो अब इसमें लिखा कि unsettled, ठीक है, तो मैं इस question को लिख रहा हूँ unsettled, देखो यू अन S E T T L E D unsettled, अभी unsettled देखो इसको सॉल्व करने का ना सबसे मतलब इजी तरीका मैं बता रहा हूं, द यू का जो अल्फाबेटिकल सीरीज में जो नंबर है यू का होता है 21, है ना, एन का होता है, एम का एम इज द मतलब हाफ होता है, एम 13th में टोटल 26 है, एम का 13th है तो एन का होगा 14, ठीक है, एस का 19 होता है आपको याद होगा, ए बी सी डी ई, ई का होगा 5, टी 20,
टी का हमेशा 20, टी 20 20 मैथ से याद रखना है इसको। एल का होता है 12, ठीक है, अगेन ई का 5 हो गया, इधर में 5 हो गया, और डी का होता है 4। जस्ट आपको याद रखना है चीज को, ठीक है, तब आपको बहुत आसान से इसको सॉल्व हो जाएगा आपको। और बार बार हिसाब करना ये बहुत टायरिंग होता है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब वो थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है अगर आप बार बार काउंट करें ए बी सी डी इस तरह से, तो अगर लंबा अगर हो गया तो दिक्कत होता है, क्योंकि मिस्टेक होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरह का मेथड आप मत लीजिए जो मिस्टेक होने का चांस बहुत ज्यादा लेता है, क्योंकि आप इसको समय दे रहे हैं ना, आपका एनर्जी रहे तो आपको उसको मार्क्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो जरा देखो, अगर मैं इसको देखूं यू से लेकर कब मिल रहा है क्या, ठीक है, यू 21 है, अब 21 से कोई भी ज्यादा नहीं है तो यू से कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे। देखो 14 15 16 17 18 19 20 इस तरह से कुछ नहीं मिल रहा, 19 20 20 इधर है, 21 20 से कुछ भी ज्यादा नहीं है तो छोड़ दो इसको। 5 6 7 8 9 10 नहीं मिला, 20 अगेन 20 21 20 से कुछ भी ज्यादा नहीं है छोड़ दो, 12 से तो हो नहीं सकता, 12 13 14 नहीं है, 5 4 इस तरह से होने, तो हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक भी नहीं मिला, बैकवर्ड डायरेक्शन में जरा देखते हैं। देखो 5 के बाद 4 के बाद क्या होता है, 5 आता है ना, तो हमें एक मिल गया। देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं मिला, 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं मिला, 12 13 14 15 16 17 18 नहीं मिला, है ना, 20 21 22 23 24 इस तरह से मिले, छोड़ो 20 21 इधर ही है, ठीक है, 20 21 22 23 5 6 7 8 9 19 20 21 देखो 19 20 19 20 21 कितना लीड मिला मुझे, दो लीड मिला तो आंसर होगा, तो ठीक है, इस तरह से सॉल्व करने से बहुत आसान से सॉल्व हो जाता है, दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। सो ये था एंडिंग इस सेशन का, मैंने प्रॉपरली 35 क्वेश्चन सॉल्व किया है आप लोगों के लिए, तो आई होप दैट यू लाइक द वीडियो, आपको पसंद आएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिए, उसको मैं पूरा, मतलब उसको ठीक करने के लिए पूरा मैं ट्राई करूँगा, पूरा मतलब दिल से मैं ट्राई करूँगा कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो अगर अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि लाइक कर देने से हमारा वीडियो जो है, हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है हमारे वीडियो के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का बहुत ही प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैं लेकर के आने वाला, बहुत इजी, मतलब देखो मेरा मेथड थोड़ा अलग होता है, ठीक है, मेथड जितने भी आपको वीडियोज मिल जाएगा मेथड एक ही रहेगा, लेकिन मेरा मेथड बिल्कुल अलग होता है, रीजनिंग का जो मेथड है, तो उस तरह से जो अलग एक मेथड होता है, जो एकदम टाइम सेविंग का जो मेथड है, मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगर इस टाइप के वीडियोज मैं अपलोड करूँ तो आपको बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को, है ना, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो पॉजिटिव, अगर वीडियो बुरा लगे तो नेगेटिव कर दीजिएगा, लेकिन कमेंट करिएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच, दिस स्कूल ऑफ बेंजी।